हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब बहुत अच्छे होंगे कि जैसे कि आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं कि ये अपडेट आ रहा है आइडेंटिफाई के लिए कि आप किसी का पिक या कुछ भी अगर यूज करते हो तो उसके विदाउट परमिशन आप अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बहुत मैं इजीली बताने वाला हूँ क्या लिखना है आपको, जिससे आपको कॉपीराइट स्ट्राइक और कोई इशू आपके चैनल पर नहीं होगा। लेकिन आपको पहले बात तो ये आइडेंटिफाई करनी होगी कि आपके उसके बारे में क्या बता रहे हो, किस बेस पे बता रहे हो। अगर आप सही राइट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आप इस चीज़ को, जिसे स्क्रीनशॉट पे देख रहे हो आप, इस चीज़ को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिख के, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। और यही चीज़ आपको वहाँ पर लिखनी है अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वो भी सबसे पहले, वो सबसे पहले पेस्ट करना है। फिर इसके बाद आपको जो कुछ ना लिखना होगा लिख देना आप, लिंक वगैरह जो आप लोग डालते हो रेगुलर, लेकिन इसको सबसे ऊपर लिखना है क्योंकि जैसे डिस्क्रिप्शन ओके करेंगे तो सबसे पहले यही दिखना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप किसी के बारे में बता रहे हो या कोई चीज़ है, कोई चीज़ आपने वीडियो में अपलोड की है और आपको लगता है कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देगा, फिर भी आपको अगर डर है तो आप ये चीज़ लगा सकते हो। इससे आपका चैनल जो है कोई खतरे में नहीं पड़ेगा, कोई इशू नहीं होगा आपके चैनल के बारे में। तो ये इस अपडेट से आपको डरना नहीं है कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, बस आप उसको अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अगर वो चाहे तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है इसको लिखने के बावजूद भी। लेकिन आप कहीं राइट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन आपको कहीं कहीं डर लगता है कि नहीं कर देना चाहिए, लिख देना चाहिए ऐसे, तो आपको यही चीज़ कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में आपको डालना होगा। दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी, इस अपडेट के अकॉर्डिंग थी, आप लोगों को बता दिया जाए कि इसमें कोई डरने की बात नहीं, इसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।